अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइज, आज का दिन बारात का है और हम लोग अब निकलने लगे हैं मेकअप के लिए। कपड़े शपड़े पहन लिए हैं और दुल्हन भी रेडी है, वो दुल्हन खड़ी है। तो बस हम लोग अब सैलून के लिए निकल रहे हैं। तो सुहाना गाड़ी निकाल रही है और मैं आप लोगों को किरण से भी मिलवाती हूँ बाद में। तो किरण ने फिर व्लॉग में दूर दूर से ही आना है। किरण इधर आ। हाँ जी गाइस, तो दुल्हन भी आ गई है। कैसा लग रहा है किरण तुम्हें? अभी तो नींद आ रही है। दुल्हन बनोगी आज? दुल्हन बनने जा रही हो आप? कैसा फीलिंग आ रही है? बहुत कमाल। सही, चलो अल्लाह ताला तुम्हारे नेक नसीब करे और खुश रहो। तो आज किरण के लिए बहुत बड़ा दिन है गाइस, और हमारे लिए भी। तो चलो चलते हैं सैलून, तो वहाँ जाके मिलते हैं। हाँ, हमारी नींदें पूरी हो जाएगी। और मामा ने भी अब शर्ट पहन ली, हम लोग बस अब गाड़ी में बैठने लगे। जी गाइस, तो बैठ के, और तो यशवा सारों से आगे बैठ गई है मैडम। हेलो, इधर इधर इधर। हाँ जी, हाय। क्या क्या कहती है? माफ तो बड़ी सॉलिड है। कुछ नहीं, अभी हम नहीं बता सकते गाइस के मामा ने क्या। चलो गाइस, सैलून पहुंच के तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अंदर जाना जरा अलाउड नहीं है मेकअप वगैरह, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स वगैरह होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि व्लॉगिंग आप अंदर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि जब रेडी हो जाएंगे तो फिर आपके साथ मिलते हैं। जी गाइस, तो हम लोग हो गए हैं रेडी और यशवा भी रेडी हो गई है। तो बस हम लोग अब किरण का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगी तो फिर हम लोग हॉल में जाएंगे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ शूट पर गई हुई थी। तो बस हम लोग भी बच्चों को रेडी किया, खुद मैं रेडी हुई हूँ। तो बस अब हम लोग जो है हॉल में जाने लगे हैं, फिर आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर करेंगे। और बहुत जल्दी जो है मेहंदी का व्लॉग भी आने वाला है, और आप लोग गाइस उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाया है। वो मेरे कज़न ने बनाया, रुमान ने। तो मैंने लास्ट नाइट देखा है, तो इतना कमाल है ना कि मैं किसी चीज़ को भी कट नहीं करूँगी। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिस तरह वो आए हैं मेहंदी लेकर और क्या क्या हुआ है। तो मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। यशवा साइड पे हो जाओ ज़रा। जी गाइस, तो आज ना मैंने ये गोल्डन कपड़े पहने हैं। और गाइस, कमेंट सेक्शन पे भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। काफ़ी देर के बाद मैंने टिक्का और झूमर लगाया है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली बहन की शादी है, तो फिर ज़रा बंदा अच्छे तरीके के साथ तैयार हो। और सैलून से ही मैंने मेकअप करवाया है। तो बस अब हम लोग किरण का वेट कर रहे हैं, जैसी वो आती है तो फिर हम लोग चलें। जी गाइस, तो ना किरण आ गई है, तो हम लोग उसको जो है नीचे पिक करने लगे हैं। उसके बाद वो कह रही मेरा सर दुख रहा है, तो हम उसके लिए फिर चाय बना रहे हैं। वो चाय पी लें तो फिर हम लोग जाते हैं। बस आ रही है। और वलीद मेरा भाई, ये भी रेडी हो गया, जिसने ब्लैक पहना है। आज ब्लैक ही थीम है। मामा पापा ने और वलीद ने पहना है, और उसने क्या कहते हैं सुलेमान ने, अरशमान ने, उन सब ने ब्लैक ही पहना है। गाइस, दिमाग जो है ना हिला पड़ा, कुछ कह नहीं सकते आपको ना। बस आने वाली है और वो बेचारी बहुत टायर्ड होगी, उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। तो बस वो कह रही थी मैं ली चाय बना दो, तो अब चाय पी के तो फिर निकलेंगे। गाइस, आई थिंक कार आ गई है किरण की, माशाल्लाह। लेकिन अभी मैं किरण नहीं दिखाऊंगी, जस्ट कार ही दिखाऊंगी। किरण की फर्स्ट लुक हम लोग दिखाएंगे हॉल में जाके। ये किरण की कार आ गई माशाल्लाह। ये माशाल्लाह फरहान भाई के गार्ड्स हैं। आंटी
गाइस तो मम्मी ने ये वाले कपड़े पहने आज फ्रोजी, बहुत नाइस लग रहे हैं। अरशमान ने आज शेरवानी पहनी है माशाल्लाह। चलो आ जाओ अरशमान, अब मामा ने आज ये कपड़े पहने, पापा ने ये कपड़े पहने। अल्लाह का करम, मुबारक हो तुम्हें, खैर मुबारक। उधर रखवाने जाना था भाभी कुलसूम ले गई भगवानपुरे वापसी, उसकी नजर वीक थी जी, कहते मेरे संग चलाई जाती, मैं बैठ के मैं शूट शूट लेके आई। गाइस पहुंच के हम लोग, गाइस हम लोग हॉल में पहुंच के
Thank you.